इमेजिन करिए आप एक किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं, या आप क्लास के मॉनिटर या स्टूडेंट लीडर हैं, या फिर एक बहुत बड़े आप कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हैं, और आपको एक टास्क दिया गया है टू इन्फ्लुएंस टू टॉक टू मोर देन 100 पीपल। नाउ आप बताइए आपके लिए क्या बेटर होगा, टू टेल गिव देम अ लॉट ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स और टेल देम सम अमेजिंग स्टोरीज। आई एम वेरी श्योर आप भी एग्री करेंगे कि उस समय पे जब आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस करना है, स्टोरीज प्ले अ पिवोटल रोल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक्स जिसको यूज करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको टास्क मिला है कि आपको इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा अब मुझे लगता है कि आई शुड टेल सम गुड स्टोरी, सम बेटर स्टोरी, सम कैप्टिवेटिंग स्टोरीज। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू बिल्ड योर स्टोरी, टू डिलीवर योर स्टोरीज एंड टू कीप योर ऑडियंस एंगेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर वन, विच इज आपका मैसेज क्या है, वॉट इज योर कोर मैसेज, आप मेन पॉइंट जो कहते हैं हिंदी में मुद्दे की बात क्या है। क्योंकि जब तक वो आपका क्लियर नहीं है तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज व्हाट स्टोरीज टू। आपको यही नहीं पता कि आपको पॉइंट क्या रखना है, आपको पॉइंट रखना है कि टीम होना क्यों जरूरी है, या आपको पॉइंट रखना है कि लीडरशिप इज द नीड ऑफ द आवर, या आपको पॉइंट रखना है कि स्टोरी टेलिंग इज सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि इस वीडियो का पॉइंट है। जब तक आपका वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा यू कांट इवन चूज द राइट स्टोरीज, बिकॉज येस फॉर एवरी पॉइंट वी हैव डिफरेंट स्टोरीज एंड एवरी स्टोरी कैन बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहला चीज जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो है कि आपका मेन मैसेज क्या है, वॉट इज योर कोर मैसेज। नंबर टू इज टू आइडेंटिफाई द राइट स्टोरीज टू कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई। सो डिपेंडिंग ऑन आपका स्पीच या आपका टॉक कितना बड़ा है, इट कुड बी 5 मिनट टॉक और इट कुड बी 1 आवर और इट कुड बी अ डे और टू लॉन्ग वर्कशॉप। इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरीज कैसी होनी चाहिए, इट कुड बी लॉन्ग स्टोरीज, इट कुड बी शॉर्ट स्टोरीज, यू नो द शॉर्टेस्ट स्टोरी आर 2 to 3 lines ऑल्सो, लॉन्गेस्ट स्टोरीज कैन गो ऑन फॉर 30 minutes 1 hour एज वेल। सो बेस्ड ऑन वॉट इज द ड्यूरेशन, वॉट इज द पर्पज, हु आर द ऑडियंस ऑल्सो, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही ऑडियंस के सामने सही स्टोरी बता रहे हैं। लेट मी टेल यू देयर हैव बीन केसेस जहां पे लोगों ने गलत जगह पे गलत स्टोरियां बताई हैं एंड दे हैव बीन टर्मिनेटेड। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि सही जगह पे सही स्टोरी बताना क्यों जरूरी है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल बताना है कि डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर दैट यू नीड टू हैव स्टोरी अबाउट डेलीगेशन, वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट की स्टोरी नहीं बता सकते हैं। तो स्टेप वन इज टू आइडेंटिफाई द मैसेज, स्टेप टू इज टू फाइंड आउट व्हाट आर द रेलेवेंट स्टोरीज। सो डेलीगेशन की स्टोरी आप कौन सी दे सकते हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, यू कैन ब्रिंग योर ओन पर्सनल स्टोरी कि फर्स्ट टाइम किसी ने आपको डेलीगेट किया था, आपके मैनेजर ने आप पे ट्रस्ट किया, बोला यू नो व्हाट हरितोष कैन यू रियली डू दिस, आई थिंक यू कैन डू दैट, एंड यू फेल्ट रियली गुड एंड देन यू डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक श्योर दैट कि आप अपने मैनेजर के एक्सपेक्टेशन पे सही उतर रहे हो एंड यू वेर अप्रिशिएटेड, दैट्स अ शॉर्ट स्टोरीज। एंड देन यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बाय टेलिंग दैट हाउ डिड यू फील व्हेन यू डेलीगेटेड योर टास्क, यू वर हैविंग सो मेनी थिंग्स एंड देन यू आइडेंटिफाइड दैट ओके आई हैव अ न्यू मेंबर, ही हैज अ पोटेंशियल और शी हैज अ पोटेंशियल, लेट्स ट्राई इट आउट। तो आपने उस बंदी को बुलाया और उसको बोला कि क्या तुम ये करना चाहोगे, डू यू वांट टू ट्राई दिस आउट, एंड voila, that person was even better than you and you got the appreciation that you would have never received. So when you tell these two stories, what are you trying to prove? That delegation is an art. First of all, agar aapko delegate karna hai, to you should learn कि आपको डेलीगेटेड भी होना चाहिए, आपको लोग डेलीगेट भी कर सके टास्क। और सेकंड पॉइंट इज कि अगर आपको डेलीगेशन करना है तो हाउ यू शुड प्रोसीड एंड व्हाट कैन इट डू फॉर यू, वेरी सिंपल एग्जांपल। सो द सेकंड पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि जब आपका कोर मैसेज क्लियर है देन यू नीड टू हैव द राइट स्टोरीज। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, और जो तीसरा पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट स्टोरी क्राफ्टिंग। इस स्टोरी का हुक क्या होने वाला है, स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या है, स्टोरी में क्या क्या इमोशंस प्ले होने वाले हैं, स्टोरी का आउटकम क्या होने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थर्ड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ स्टोरीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट स्टेप कोर मैसेज, सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई द स्टोरी, एंड थर्ड स्टेप इज टू क्राफ्ट द राइट स्टोरीज इन द राइट वे यूजिंग द स्ट्रक्चर। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस। या लेट मी बी ब्लंट, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं करते हैं और उसी के कारण वो आगे प्रोग्रेस भी नहीं करते हैं। जी हाँ, तो चौथा स्टेप है विच इज टू प्रैक्टिस बिफोर यू डिलीवर करने के बाद तो लॉट ऑफ पीपल कैन गिव फीडबैक, बट आर यू प्रैक्टिसिंग योर स्टोरी, क्या आप अपनी स्टोरीज को रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव सेट अ डेडलाइन कि अच्छा मुझे अगर मेरे पास एक हफ्ते का टाइम है
कैन आई प्रैक्टिस इट 5 to 10 times सो दैट आई नो द स्टोरी इन एंड आउट. मुझे पता है कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हाई टोन में बोलना है, कहाँ लो वॉइस में बोलना है, कहाँ किसका कैरेक्टर दिखाना है, कहाँ कौन से इमोशंस प्रोजेक्ट करने हैं. दैट कैन नॉट हैपन ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम यू स्पीक. सो बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि दे डोंट प्रैक्टिस, दे थिंक दैट. एंड आप भी मिलोगे, मैं भी बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ. आई नो इट, आई कैन डिलीवर इट, आई कैन डू इट. दे आर सुपर ओवर कॉन्फिडेंट एंड व्हेन द टाइम कम्स, जब वो एक्चुअल टाइम आता है, दे बॉम्ब, दे रियली बॉम्ब. दे गिव द मोस्ट बोरिंग स्टोरीज जिसको सुनने के बाद आप प्रॉब्ली सो जाओगे. नथिंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट ये स्टेप बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है टू प्रैक्टिस योर स्टोरीज, टू गेट फीडबैक. एंड फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप, गेट अ कोच. There is nothing that can take your journey to the next level than having a coach. It doesn't matter who is your coach, and that is another probably a skill that you need to develop, or we can create a video about it. Ki when you get a coach, ek coach aapke andar wo dekh sakta hai jo aap khud nahi dekh sakte. Ek coach aapko wo jo saalon ki journey hai उसको हफ्तों में बदल सकता है. बिकॉज अ कोच हु हैज बीन देयर, अ मेंटर हु इज एन इम्प्लीमेंटर, जिसने खुद बहुत सारे टॉक्स किए हैं, बहुत सारे स्टोरीज बोली हैं, जब वो आपके साथ काम करता है, देन ही और शी मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं जो उसने किया है, आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं जो उसने शायद सालों लगा के सीखे. सो दैट आई थिंक इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू गो एंड इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस एंड रियली गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो 5 स्टेप कौन कौन से थे, कम ऑन लेट्स रिपीट. नंबर 1, व्हाट इज योर मैसेज. नंबर 2, आइडेंटिफाई द राइट स्टोरीज. नंबर 3, स्ट्रक्चर योर स्टोरीज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. नंबर 4, प्रैक्टिस एंड गेट फीडबैक. एंड नंबर 5, इफ रिक्वायर्ड, हायर अ कोच. आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर नेक्स्ट टॉक्स. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज आई से एवरी टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दिस इज कोच हरितोष श्रीवास्तव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.